अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, मुतासरीन के लिए मख्तस फंड्स फौरी खर्च करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने इमदादी रकम सैलाब मुतासरीन पर खर्च करने की हिदायत जारी कर दी। योम इस्तेसाल कश्मीर, 5 अगस्त के भारतीय इकदाम के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रैलियाँ। इस्लामाबाद की शाहराहों पर ट्रैफिक को 1 मिनट के लिए रोका गया। 1 मिनट की खामोशी, भारत से आज़ादी का मुतालबा। आर्मी चीफ का IMF प्रोग्राम के सिलसिले में सऊदी और इमाराती हुकाम से रबता। सिपहसालार के रबते के नतीजे में पाकिस्तान के लिए जल्द अच्छी खबर मुतवक्के है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ एहतजाजी मार्च किया। ताहम दफ्तर के अंदर जाने की इजाज़त ना मिलने पर अपनी याददाश्त बाहर ही इलेक्शन कमीशन के ड्यूटी अफसर को जमा करा दी। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. Greenish hand sanitizer, na oily, na sticky, na badboo aur mukammal absorption. Aur haath narm, mulayim aur saaf. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareedein ya hamari website par order karein. www.greenish.com. Headlines aapne jaani aur ab khabrein tafseel ke saath. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासर इलाकों के दौरे के दौरान ख़िताब करते हुए कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों में सूबाई हुकूमतों से मिलकर काम कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा किया, जिसके दौरान रेस्क्यू और रिलीफ के कामों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने मुतासरीन के लिए मुख्तस फंड्स, बहाली प्रोग्राम की जल्द तकमील के लिए फौरी खर्च करने का हुक्म दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासर इलाकों के दौरे के दौरान कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों में सूबाई हुकूमतों से मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने हिदायत की कि इमदादी रकम सैलाब मुतासरीन पर खर्च होनी चाहिए। तर्जुमान NDMA के मुताबिक मुल्क भर में सैलाब और बारिशों की वजह से अमवात की कुल तादाद 549 जबकि ज़ख्मियों की तादाद 628 रिकॉर्ड की गई है। ज़ख्मियों में कोई भी तशवीशनाक हालत में नहीं। सैलाब और बारिशों के बाइस 46,219 मकानात को नुकसान पहुँचा। मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। NDMA के आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 30 साल औसत रिकॉर्ड के मुकाबले में मुल्क भर में 133% से ज़ायद बारिशें हुई हैं। पंजाब में 110%, खैबर पख्तूनख्वा में 26% से ज़ायद बारिशें हुई, बलोचिस्तान में 305% और सिंध में 218% से ज़ायद बारिशें रिकॉर्ड की गईं। गिलगित बल्तिस्तान में 68, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 9% से ज़ायद बारिशें हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों में सैलाब और बारिशों के बाइस मुख्तलिफ वाक़ियात में 11 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए फीकस 10 लाख के इमदादी चेक की तरसील जारी है। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की कानूनी हैसियत को एक तरफा तब्दील करने के गैर कानूनी अमल को 3 बरस मुकम्मल होने पर सरहद के दोनों अतराफ और दुनिया भर में रहने वाले कश्मीरियों ने यौम इस्तेसाल मनाया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की कानूनी हैसियत को एक तरफा तब्दील करने के गैर कानूनी अमल को 3 बरस मुकम्मल होने पर सरहद के दोनों अतराफ और दुनिया भर में रहने वाले कश्मीरियों ने यौम इस्तेहसाल मनाया। आज़ाद और मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय बर्बरियत को यौम सियाह के तौर पर मनाया गया और मुकम्मल हड़ताल की गई। भारत के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ रैलियाँ निकाली गईं और बैनुल अक्वामी बिरादरी से 5 अगस्त 2019 के इकदाम वापस लेने के लिए दबाव डालने का मुतालबा किया गया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से रैली भी निकाली गई, जिसमें वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर आजम के मुशीर कमर जमान कायरा, सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद और वजारत खारजा के अमले समेत
शहरियों ने भी शिरकत की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का अपने पैगाम में कहना था कि हम कश्मीरियों की हक के खुद इरादियत की जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि बहादुर कश्मीरियों को सलाम है जो 7 दहाइयों से जायद अरसे से भारतीय गासिबाना कब्जे के खिलाफ आहनी अजम के साथ डटे हुए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब और यूएई के हुकाम से गुफ्तगू में आईएमएफ प्रोग्राम पर बात की है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम से राब्ता किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब और यूएई के हुकाम से गुफ्तगू में आईएमएफ प्रोग्राम पर बात की। आर्मी चीफ के राब्ते के नतीजे में पाकिस्तान के लिए जल्द अच्छी खबर मुतवक्के है। ख्याल रहे कि चंद रोज़ कबल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी नायब वजीर खारजा से भी राबता किया था और जल्द कर्ज के लिए आईएमएफ पर दबाव डालने की दरख्वास्त की थी। इससे कबल गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में आलमी मालियाती इदारे की नुमाइंदा एस्थर पियर्स रीज ने कहा था कि पाकिस्तान ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी में इजाफा करके मुश्तरका जायजे की पेशगी शराइत पूरी कर दी है। आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 24 अगस्त को मुतवक्के है, जिसमें पाकिस्तान के 7 माहिदे की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान कर्ज के लिए माहिदा 14 जुलाई को तय पाया था, जिसके ऐलामिये में आईएमएफ ने कहा था कि ईएफएफ के तहत 7वें और 8वें जायजे के मामला तय पा गए हैं, ताहम आईएमएफ बोर्ड माहिदे की हतमी मंजूरी देगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एहतजाजी मार्च किया। ताहम दफ्तर के अंदर जाने की इजाज़त ना मिलने पर अपनी याददाश्त बाहर ही इलेक्शन कमीशन के ड्यूटी अफसर को जमा करा दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज और इलेक्शन कमीशन जाकर एहतजाजी मरासला देने के मौके पर रेड जोन मुकम्मल सील किया गया। पीटीआई के कारकुनों के लिए शाहरा दस्तूर तक पहुंचना नामुमकिन बना दिया गया। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर, अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद, सीनियर नायब सदूर फवाद चौधरी, डॉक्टर शीरी मजारी, शिबली फराज, डॉक्टर बाबर ऐवान, आमिर क्यानी, आजम सवाती, उमर अयूब, अली नवाज ऐवान, राजा खोरम नवाज, सदाकत अब्बासी, रियाज फतियाना, सीमी इजदी, फरीद रहमान, आमिर मुगल समेत बड़ी तादाद में कारकुनों के हमरा पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन तक पैदल गए और रास्ते में खड़ी पुलिस से भी पार्टी कायदीन उलझते रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस पीटीआई रहनुमा बाबा रहमान के तवसत से दायर किया गया। रेफरेंस रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचा ही था कि तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एहतजाजी मार्च किया। ताहम दफ्तर के अंदर जाने की इजाज़त न मिलने पर अपनी याददाश्त बाहर ही इलेक्शन कमीशन के ड्यूटी अफसर को जमा करा दी। पीटीआई के अरकान असम्बली इलेक्शन कमीशन में याददाश्त जमा कराने के बाद मुंतशिर हो गए। कारकुनान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।